अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी प्यारी रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है शीरमाल। आप घर में बना के तो नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। तो उसके लिए आइए मुझे देखें क्या क्या चाहिए। मैंने लिया 300 ग्राम दूध, आधा दूध है और आधा पानी है, 150 ग्राम दूध और 150 ग्राम पानी है। इसको मैंने नीम गर्म कर लिया। अब इसमें मैं डालूँगी ये चीनी है 100 ग्राम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें डालूँगी ईस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें जाएगा थोड़ा सा कलर, फूड कलर, क्योंकि शीरमाल जो है ना वो थोड़ा येलो कलर का होता है तो आपको अच्छा लगेगा इसका कलर। अब इसको करूँगी मिक्स और 2 मिनट के लिए इसके रख दूँगी ताकि ये ज़रा राइज हो जाए। ये मेरे पास 1/2 kg मैदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये डालूँगी मशीन में। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर है ये 1/2 टीस्पून। अब इसको मैं घुमा दूँगी ज़रा। अगर आपके पास नहीं है तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब ये दूध, चीनी और ईस्ट का जो है मेज़ है मैं डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें जाएगा 1 अंडा। अब ये दूसरा अंडा इसमें जा रहा है। ये 45 ग्राम इसमें ऑयल जा रहा है। मशीन का एक चक्कर पूरा घूम गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी जो इसमें फ्रूट्स डालने हैं। ये देखें, ये मैंने दरिश्क लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ज़रा इससे अच्छा टेस्ट आता है, मज़ा आता है। और ये मैंने अशरफियाँ थी जो मैंने छोटी छोटी करके तो ये इसमें डाली हैं। तो ये एक प्यारा सा इसे लुक आ जाता है। बस इसको आधा आधा चक्कर और घुमाऊँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विवश ये देखें, मैदा जो है वो हमारा हो गया, गूंद दिया। अब मैं इसको राइज होने के लिए 45 मिनट के लिए रखूँगी। इसके बाद मैं इसके पेड़े बना के इनके सांचों में जब लगाऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। विवश ये देखें, माशाल्लाह आटा हमारा राइज हो गया बहुत अच्छे से। तो अब मैं इसके बनाऊँगी पेड़े। ये देखें, इसको ऐसा ही होना चाहिए। जितना ये सॉफ्ट होगा ये उतने ही मज़े का बन बनेगा। तो ये मैं इसको करूँगी वेट इसका। ये देख, 200 ग्राम का मैं एक बन बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये मैंने सांचे में ऑयल लगाया हुआ था और अब मैं इसको ये अच्छे से बहुत प्यारा सा एक पेड़ा बना के ये ऐसे करना है आपने, ताकि सारी जगह से इक्वली जैसा बने। और अब इसको ऐसे पलटते हैं। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम फैलाएँगे ताकि ये तो इधर तक एंड तक आ जाए। जैसे कि ये देखें, मैंने ये किए हुए हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इनको दबा रही हूँ ताकि ये अपने सांचे के की पूरी पैमाइश में आ जाए। इसी तरह राइज होने के लिए रखूँगी और फिर मैं ओवन में रखूँगी इसको 15 से 20 मिनट में ये पक जाएंगे। फिर जब बन जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बस ये देखें, बन हमारे माशाल्लाह से शीरमाल बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। 10 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो को देखते हैं। तो ये आप घर में बनाएं, बाजार की चीज़ों से आपकी छुट्टी हो गई।